हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 27 रुपए के करीब आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और ये एक ऐसा शेयर है जिस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं देगा। एक पूरा ट्रस्ट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। छोटा शेयर है, 27 रुपए का शेयर है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बहुत ही बड़ा है। छोटा शेयर है लेकिन मार्केट कैप इसका काफी बढ़िया, काफी दुगना है। और इनकी जो सर्विसेज है वो आप हमेशा इसकी सर्विसेज को भी यूज करते हैं। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, उन लोगों के लिए भी जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा हुआ है, वो वहां से इजीली अपना अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में बात कर। देखिए, रेलवे का ये स्टॉक है 27 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है और थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। और हाल फिलहाल में ये स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्यादा देर इसको नहीं हुआ है इंट्रोड्यूस होने में। और चलिए सबसे पहले हम इसके पिछले एक हफ्ते का डेटा निकाल लें। तो पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर में 5.30% का ग्रोथ है। देखिए, 26 रुपये, 26.05 रुपये के आसपास का लो बना है और 27.80 रुपीज तक का हाई भी बना है। एक महीने की बात करें तो रेल विकास निगम में हालांकि एक महीने में 4.14% की गिरावट जरूर है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि गिरावट आती है, फिर से तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। 25.90 रुपीज से करीब का लो है और 29 रुपीज तक का हाई ये बना चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो जस्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ है। इसी साल चौथे महीने में 11 अप्रैल को इसका शेयर इंट्रोड्यूस हुआ है और देखिए 19 रुपए के ऊपर ये शेयर लॉन्च हुआ था, 19 रुपए के आसपास ये शेयर लॉन्च हुआ था। उसके बाद तेजी आती है, फिर हल्की सी गिरावट आती है, फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है और उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये शेयर, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम ट्रेड की, तो देखिए वॉल्यूम ट्रेड 69 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है। बीएससी में ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। देखिए, शेयर अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है तो उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 100% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के द्वारा शेयर गिरवी भी नहीं है यहाँ पर। और डिविडेंड हाल फिलहाल में जस्ट अभी लॉन्च हुआ है तो डिविडेंड के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसकी। अगर रेल विकास निगम का अगर मैं मनी कंट्रोल में जाता हूं तो देखिए 100% बाइंग रिकमेंडेशन है, 100% बाइंग रिकमेंडेशन यहां पर देखने को मुझे मिल रही है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 5,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मुझे यहां दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10 की है, 10 की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है और 39.80% की डिलीवरीज भी इसकी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, तो अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसके बारे में फाइनेंशियल्स भी अभी तक इसके अवेलेबल नहीं है और धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर नतीजे के बारे में भी अगर देख ले तो मार्च 2019 में 185 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो पिछली बार में 163 करोड़ के आसपास का था। तो नेट प्रॉफिट में इजाफा जरूर देखने को मिला है, अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ पर मैं इसको मानता हूँ। अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो वो भी अवेलेबल नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि देखिए डिटेल्स आने में थोड़ी टाइम लगते हैं, तो अभी तक इसके बारे में भी उतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए, रेलवे का स्टॉक है और डेफिनेटली नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उसमें हमें शायद आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और रेलवे के स्टॉक्स में तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि तेज़ी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट स्टॉक है और जो डेफिनेटली अगर कभी कभी घाटा होता भी है तो सरकार पैसा डालकर इसको तो हमेशा ऊपर लेकर ही आती है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर हाल फिलहाल में अगर आपने खरीदा है तो होल्ड करें, और नहीं खरीदा तो डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब तक ये शेयर 29 रुपीज़ का लो बना चुका है। पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें जब से लॉन्च हुआ कि अब तक का सिर्फ 29 रुपीज़ तक का इसका लो है और 19 रुपीज़ तक का हाई, सॉरी 19 रुपीज़ तक का लो है और 29 रुपीज़ तक का हाई है।
तो ये मत सोचो कि थोड़ा और गिरेगा तब हम खरीदेंगे। डेफिनेटली आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्स आपको इसी तरीके से ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी की तरह से ये शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर करवाएगा, और मैं मानता हूँ कि एक सेफ शेयर भी जरूर है ये। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।